इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये राजधानी लखनऊ का रिवर फ्रंट है। रिवर फ्रंट को बनाने का उद्देश्य था कि पर्यटक यहां पर आएँ, लोग यहां पर आएँ, यहां पे बैठ के गोमती के जो है किनारे का मज़ा ले सकें, यहां पे एक खूबसूरत शाम देखी जा सके। मगर अब इसकी पहचान धीरे धीरे सुसाइड स्पॉट में बदलती जा रही है, क्योंकि हम आप ठीक हमारे आप जो है ऊपर देखिए, ये पुल है जो रिवर फ्रंट के ऊपर से गुजर रहा है। यहाँ पर अक्सर लोग कूदते हैं और सुसाइड करने का प्रयास करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग सफल भी हो जाते हैं। एक हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस पुल की, कि इस पुल से बहुत छोटी छोटी एक बाउंड्री आपको दिख रही होगी, इस बाउंड्री पर लोग चढ़ के गोमती नदी में कूद जाते हैं। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि जब लगातार इस पुल से कूदकर लोग आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, जिसमें सफल भी होते हैं बहुत सारे लोग, अगर ऑन एवरेज बात किया जाए तो महीने में 8 से 10 केसेस आते हैं, मगर उसके बाद भी लखनऊ प्रशासन के द्वारा इसके ऊपर ना ही तो कोई एक जाल लगवाया जा रहा है, कोई ऐसी परमानेंट व्यवस्था नहीं की जा रही है कि जिससे इस आत्महत्या के मामलों को रोका जा सके, सुसाइड के केसेस को रोका जा सके, ताकि लोग इस पुल पे ना चढ़ सकें। और हाइट उसकी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि लोग उस पे चढ़ने में उनको तकलीफ हो और फिर वो नीचे ना सके। मगर इसके इतने केसेस आने के बावजूद भी लखनऊ प्रशासन काफ़ी ज़्यादा जो है इस मामले को लेकर गंभीरता से नहीं ले रहा। आज जो ताज़ा मामला सामने आया है, वो एक अधिवक्ता ने यहाँ से इस पुल पे अपनी गाड़ी खड़ी की और वो नीचे नदी में कूद गए। कहा जाता है कि अधिवक्ता का नाम नासिर मंसूर बताया जा रहा है, जिन्होंने यहां से सुसाइड करने का प्रयास किया। फिलहाल SDRF की टीमें यहां पे लगी हुई हैं जो उनको ढूंढने का प्रयास कर रही हैं। ये पिछले कई घंटों से गोमती नदी में संघर्ष चल रहा है, SDRF की टीम लगी हुई है जो संघर्ष कर रही है। पहले यहाँ पे स्थानीय गोताखोरों की मदद ली गई थी, स्थानीय गोताखोरों ने काफ़ी संघर्ष किया, उसके बाद हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि वो थक कर बैठ गए कई घंटे के संघर्ष के बाद। मगर अभी SDRF की टीम लगातार लगी हुई है और नासिर मंसूर जो अधिवक्ता हैं उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। हालांकि जब इस मामले को लेकर हमारी बात हुई उनके सहयोगी साथियों से, तो उन्होंने इसमें सोशल मीडिया से संबंधित मामला बताया कि उनके फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया गया था, जिसके बाद उनको लगातार उससे ब्लैकमेल किया जा रहा था। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है ये तो जाँच का विषय है। आगे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि अभी उनको इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब जाँच होगी तभी जाके इसकी पुष्टि होगी। मगर फिलहाल स्थानीय लोगों ने और उनके साथियों ने यही बताया कि फेसबुक पे किसी के द्वारा उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। फिलहाल नासिर मंसूर की को ढूंढने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, उनके तमाम अधिवक्ता साथी भी यहाँ पर जमा हैं और यहाँ पर कई थानों की फोर्स, गोमती नगर गौतमपल्ली थाने की फोर्स जमा है, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं, तमाम अधिवक्ता मौजूद हैं जो लगातार नासिर मंसूर को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब ऐसे में देखने वाली बात ये काफ़ी ज़्यादा अहम है कि क्या लखनऊ प्रशासन गोमती नदी के ऊपर कोई जाल बनवाता है, कोई इसकी दीवारों को बाउंड्री वॉल्स को ऊंची करता है कि जिसके बाद आने वाले भविष्य में इस तरीके के सुसाइड के केसेस सामने ना आ पाएँ। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीदुल हसन, द लीडर, हिंदी, लखनऊ।